नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर ने कोविड की तीसरी लहर के अंदेशों के मद्देनजर इससे निपटने के लिए सभी अधिकारियों को जरूरी आरोग्य सुविधाओं को कार्यान्वित और व्यवस्था करने के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन जाहिर की है। तो चलिए जानते हैं कि इस तीसरे लहर से निपटने के लिए नवी मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने ऑक्सीजन आपूर्ति से लेकर आरोग्य व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने को लेकर क्या क्या तैयारियां की हैं। बता दें कि आज भले ही दूसरी लहर का खतरा कुछ हद तक कम हो गया हो, मगर बावजूद इसके टेस्टिंग की संख्या में कमी नहीं की गई है। नागरी आरोग्य केंद्र के माध्यम से उनके इलाकों के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में टारगेटेड टेस्टिंग पर जोर दिया गया है। तीसरी लहर के मद्देनजर मॉल भले ही बंद हो गए हों, मगर अब मनपा का फोकस मार्केट और बस डेपो में हो गया है, जहां पर कोरोना टेस्टिंग लगातार जारी है। अभियांत्रिकी विभाग को 31 जुलाई तक की डेडलाइन। बता दें कि मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने नेरुल और एरोली मनपा अस्पतालों में आईसीयू निर्मिति का काम, इलेक्ट्रिकल काम 31 जुलाई तक की डेडलाइन देते हुए समाप्त करने के आदेश अधिकारियों को जारी किए हैं। बता दें कि आयुक्त अभिजीत बांगर ने आरोग्य व्यवस्था के अधिकारियों को सूचित किया है कि आरोग्य विषयक उपकरण, यंत्र सामग्री और दवाइयों का स्टॉक 31 जुलाई की डेडलाइन के पहले पहले व्यवस्थित तौर पर रख लिया जाए। 31 जुलाई तक पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का काम पूरा करने की डेडलाइन। कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए आयुक्त अभिजीत बांगर ने अब जल्द से जल्द 5 पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट शुरू करने के इरादे के साथ अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है। हालांकि इन 5 में से 1 पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट अब बनकर तैयार है, बाकी के 4 प्लांट 31 जुलाई तक की डेडलाइन देते हुए आयुक्त ने इसे पूरा करने की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी है। साथ ही CSR फंड के माध्यम से निर्मित 1 ऑक्सीजन प्लांट की कार्रवाई जल्द शुरू करने की हिदायतें देते हुए आयुक्त ने साथ ही ऑक्सीजन स्टोरेज के 2 प्रकल्प इसी कालावधि में पूरा करने की भी सूचना अधिकारियों को दी। इतना ही नहीं, 31 जुलाई तक ड्यूरा सिलेंडर की संख्या बढ़ाने पर भी आयुक्त अभिजीत बांगर ने जोर दिया है। नागरिकों के हाथों में है तीसरी लहर को रोकना। नवी मुंबई महानगर पालिका ने कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए अपनी तैयारियां भले ही कर ली हों, मगर आयुक्त अभिजीत बांगर ने नवी मुंबई करों से अपील करते हुए कहा है कि तीसरी लहर को रोकना नागरिकों के हाथों में है और इसीलिए कोरोना सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करते हुए इस तीसरी लहर को आने से वे रोकें। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।